हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रज। मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने काई मास्टर या दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर ऐप से कार्टून वीडियो बनाए हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा एनिमेशंस में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बट दोस्तों, मैं आपको आज कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कार्टून वीडियो बनाना बताऊँगा कि दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अट्रैक्टिव करने वाला है। तो दोस्तों, वो कार्टून वीडियो कौन से ऐप से मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, साइड में जो स्लाइड दिख रही है ये दोस्तों वो ऐप है और उसी से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते दोस्तों मॉल की होम स्क्रीन की और चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ वो कोई नहीं बताता दोस्तों, और उसी को लाइक मिलती है जो आसानी से और सरल तरीके से नहीं बताता है, और जो सरल तरीके से बताता है दोस्तों उसको कभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट पर चल जाना है। आप चाहे तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ चैट जीपीटी पे चल जाता हूँ। सारे स्टूडेंट को देखिएगा, चैट जीपीटी की वेबसाइट पर चल जाइएगा, लॉग इन कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है लॉग इन करना, मेरा पहले से लॉग इन किया हुआ है। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको जिस टाइप का भी कार्टून का स्टोरी चाहिए आप उस टाइप का कार्टून का स्टोरी अनलिमिटेड ले सकते हैं। बस आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए चैट जीपीटी को, तो आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। तो सिंपली जैसे कि मुझे दो दोस्तों की कहानी चाहिए, तो मैं लिखूंगा सिंपली टू फ्रेंड्स। यहाँ मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसी तरह लिखिएगा टू फ्रेंड्स मोरल स्टोरी इन हिंदी। अगर आपको मोरल स्टोरी चाहिए तो मोरल लिखिएगा, अगर कॉमेडी स्टोरी चाहिए तो कॉमेडी लिखिएगा। तो आपको जो भी चाहिए वैसा लिख सकते हैं। अगर दो दोस्तों की जगह आपको दो किसान का स्टोरी चाहिए तो टू फार्मर्स लिख लीजिएगा। आपको उसके जगह कुछ और चाहिए यानी कि राजा का स्टोरी चाहिए तो आप लिख दीजिएगा टू किंग। आपको बस यहाँ क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारा स्क्रिप्ट कैसे यहाँ राइट हो रहा है। देखिए यहाँ देख रहे हैं, एक गाँव में दो गहरे दोस्त रहते थे, उन्हें एक बड़ा भालू दिखा। भालू देखकर यानी कि यह स्टोरी पूरा क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे हमारा 5 सेकंड में स्टोरी बन के हो गया तैयार। अब अगर आपको यह स्टोरी पसंद नहीं आया तो आपको सिंपली फिर से लिखना है टू फ्रेंड्स, इसी तरह से लिखिएगा टू फ्रेंड्स मोरल स्टोरी इन हिंदी अलॉन्ग विथ अ स्क्रिप्ट। अब ये पूरा स्क्रिप्ट के साथ हमारा आएगा, देखिएगा ये पूरा हमारा स्टोरी फिर से यहाँ रेडी हो चुका है। यहाँ देखिए राम एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति, ये पूरा कैरेक्टर भी दिया हुआ है ताकि आपको एनिमेट करने में प्रॉब्लम ना हो। श्याम राम का अच्छा दोस्त, निडर और साहसी। अब दृश्य वन है जंगल में, यानी कि आपको सब कुछ बताया हुआ कि आपका बैकड्रॉप क्या रहेगा, कहानी का क्या स्टोरी रहेगा। अब यहाँ देखिए सबका लाइन भी लिखा हुआ है। राम मुस्कुराते हुए, श्याम कितना अच्छा मौसम है, चलो आज जंगल की सैर करते हैं। यानी कि पूरा आपका स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है, पूरा स्क्रिप्ट आपका तैयार हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। अब हमारा स्क्रिप्ट हो गया रेडी, अब हमें करना है इसे एनिमेट। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको किसी भी ऐप का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ऐप का जरूरत पड़ेगा। तो उस ऐप का नाम है जेड कट। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ लिखना है जेड कट। इस ऐप आप ये ऐप देख लीजिए ध्यान से, ये वाला ऐप बहुत ही काम का ऐप है दोस्तों। ये ऐप के बाद आप सारा ऐप जितना भी आप कार्टून वीडियो बनाने के लिए यूज करते होंगे सारा ऐप आप भूलने वाले हैं, और ये फ्री भी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जेड कट पे चल जाना है, सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुलेगा इसका, देखिएगा ध्यान से। अब ये ऐप फ्री भी है, आप इसे फ्री में भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको इसके लिए ऐड देखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं, यानी कि मैं तो इसे ओवरऑल फ्री में यूज कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, ऑप्शन है फ्री में यूज करने के लिए। अब सिंपली यहां आपको न्यू मूवी पे क्लिक करना है। यहां देख पा रहे होंगे ऑप्शन है हमारे पास न्यू मूवी का, तो मैं इस पे सिंपली कर लेता हूं क्लिक। अब देखिए जैसे आप न्यू मूवी पे क्लिक कीजिएगा एक अलग सा पेज खुल के आएगा जहां आपको एनिमेट करना है कार्टून। हमारे पास स्क्रिप्ट जो है वो रेडी है, यहां देखिए पेज हमारा खुल चुका है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा। अब यहां आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है सीन वन पिक सीन। अब यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान से पहले अपने स्क्रिप्ट को पढ़ना है, यानी कि आपको आपके स्क्रिप्ट में जो बैकड्रॉप है वो क्या है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जहाँ हमारा स्क्रिप्ट में बैकड्रॉप है वो जंगल, दृश्य वन जंगल। तो यहाँ आपको क्या करना है, पिक सीन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको बहुत सारे ऑलरेडी सीन्स मिल जाएंगे, बहुत सारे जहाँ देख पा रहे होंगे एयरप्लेन का, एयरपोर्ट चेकिंग का, बैक स्टेज का, बैकरूम का, बाथरूम का, बहुत सारे सीन्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली इसको खोल लेना है जंगल का सीन। यहाँ देखिए जंगल का सीन हमारा आ चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से ढूंढना है जो भी आपका स्टोरी का बैकड्रॉप हो, वहाँ लिखा हुआ रहेगा स्क्रिप्ट कि घर का सीन है तो इन हाउस, इन विलेज, विलेज का सीन है तो विलेज। तो यहाँ हमारा जंगल का सीन था तो मैंने फॉरेस्ट यहाँ चूज किया। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए हमारा जो जंगल का सीन है यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि हमारा सीन जो जंगल का है वो आ चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ करना है डन पे क्लिक। सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, डन पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ हमारे पास दूसरा ऑप्शन आएगा, जब आप सीन चूज कर लीजिएगा दूसरा ऑप्शन यहाँ आएगा पिक एक्टर। अब आपको एक्टर लाना है, तो हमारे कहानी में दो एक्टर हैं, राम और श्याम।
तो आपको पी कैरेक्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए आपके पास कितने सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, कितने सारे कैरेक्टर आपके पास आएंगे, देखिए कितने सारे, बहुत सारे भाई, इतने सारे कैरेक्टर की आप कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको हमें चाहिए राम और श्याम, तो राम के लिए मैं ले लेता हूँ इस बंदे को, तो सिंपली जिसे भी आपको लेना है उस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा राम आ चुका है, उसे आप डन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कैरेक्टर को चूज कीजिएगा और बैक आइएगा, तो यहाँ देखिए इस कैरेक्टर को जो नाम है इस कैरेक्टर का, वो अर्थुर करके कुछ नाम है, अर्थर करके, तो इस कैरेक्टर का कुछ नाम है। और यहाँ आप देख रहे होंगे इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट इस प्रकार से लिखा हुआ। अब इस ऑप्शन के सहायता से कैरेक्टर को आप अलग अलग जगह पे खड़े कर सकते हैं। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट लिखा हुआ है। अब आप लॉस्ट पे कीजिएगा तो देखिए कैरेक्टर पीछे चला गया। आप अगर फार टू द लेफ्ट कीजिएगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो कैरेक्टर देखिए यहाँ साइड में आ गया। फार टू द राइट कीजिएगा तो यहाँ देखिए इस साइड आ गया, राइट साइड आ गया। स्टोन कीजिएगा तो ये देखिए स्टोन पे बैठा हुआ आ गया। तो अगर मैं मुझे स्टोन पे इसे बैठाना है तो मैं इसे सिंपली कर देता हूँ स्टोन। ध्यान से देखिएगा सारा कुछ, जब भी आप कैरेक्टर को चूज कीजिएगा तो बगल में उसका पोजीशन का ऑप्शन आपको आ जाएगा, उसे आप पोजीशन क्लिक कर लीजिएगा। तो अब हमारा एक कैरेक्टर आ चुका है जो कि स्टोन पे बैठा हुआ है, हमें चाहिए दूसरा कैरेक्टर। तो फिर से मैं करूंगा पिक कैरेक्टर पे क्लिक, और यहाँ मुझे चाहिए श्याम के लिए कैरेक्टर, तो श्याम के लिए मैं चूज कर लेता हूँ। किसे चूज कर लूँ, इसे चूजिए लाल बाल वाले को, सिंपली मैं करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, और ये देखिए हमारा फिर से वो एक्टर आ चुका है, देखिए रेड बाल वाला, देखिए देख पा रहे होंगे आप। और ये देखिए कितना ऑटोमेटिक बनता है भाई, वो स्टोन पे अगर बैठा हुआ है तो उसी साइड वो फेस करके वो कैरेक्टर आ गया। यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारे दोनों कैरेक्टर आमने सामने आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप। तो हमारा कैरेक्टर हो गया क्लियर। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब हमारा सीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हमारा सीन ये क्रिएट हो चुका है, सीन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे में, ध्यान से दिखेगा, यहाँ आपको एक वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपका सीन स्टार्ट होगा तो किस एंगल से स्टार्ट हो रहा है वो एंगल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं अगर कर देता हूँ मूविंग राइट, तो यहाँ देखिए सीन हमारा राइट में मूव हो रहा है, राइट में मूव हो रहा है हमारा सीन। अब यहाँ अगर मैं कर देता हूँ मूविंग लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में सीन हमारा स्टार्ट होगा। तो ये रियलिस्टिक दिखाता है, जैसे डायरेक्टर लोग कैसे बताता है कि कैमरा का एंगल जो है इधर से इधर जाएगा, तो आप अपना सीन को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ ये। अब अगर आप मूविंग फॉरवर्ड कीजिएगा, यहाँ देख पा रहे होंगे तो आगे जाएगा हमारा सीन, देखिए आगे जा रहा है। तो मुझे मूविंग फॉरवर्ड अच्छा लग रहा है तो मैं कर देता हूँ, यहाँ से हमारा सीन का स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे, देख पा रहे होंगे डायलॉग, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है डायलॉग पे। अब आप डायलॉग पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फिर से आपको पिक एक्टर पे क्लिक करना है, और दोनों एक्टर में किससे आप बुलवाना चाहते हैं डायलॉग उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये जो स्टोन पे बैठा हुआ है हमारा राम का कैरेक्टर था, तो राम पहले बोल रहा है स्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ अर्थर पे, यहाँ मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली जाना है स्क्रिप्ट पे, राम यहाँ क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, मुस्कुराते हुए, श्याम कितना अच्छा मौसम है, चलो आज जंगल की सैर करते हैं। अब आपको सिंपली इसे कर लेना है कॉपी, कॉपी पेस्ट करना है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, इसे करना है आपको कॉपी। और यहाँ देखिए राइट डायलॉग करके कोई ऑप्शन है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करके इसे कर देना है पेस्ट। अब ये हमारा पेस्ट हो चुका है, यहाँ देखिए डायलॉग। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं दोस्तों, आप चाहे तो एआई का वॉइस यूज कर सकते हैं, एआई का वॉइस इसमें इनबिल्ड मिलता है आपको, यानी कि कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, फ्री में मिलता है आपको। और अगर आप चाहें खुद का वॉइस अगर डालना चाहते हैं, तो यहाँ आप देखिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करके खुद का वॉइस डाल सकते हैं, यानी कि आप स्क्रिप्ट पढ़ करके खुद भी बोल सकते हैं, अलग अलग आवाज बदल के अलग अलग कैरेक्टर के लिए। तो यहाँ अगर आप खुद से डालना चाहेंगे तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं जैसे कि आपको एआई करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद से आवाज नहीं डालना चाहते। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस दिखेंगे, तो आपको सिंपली एच आई में जाना है, हिंदी का शॉर्ट फॉर्म होता है एच आई। तो एच आई में आपके पास यहाँ चार वॉइसेस टोटल मिलेंगे, यहाँ देख पा रहे, यहाँ देख पा रहे एच आई में, इस पर आपको जाना है, यहाँ आपको चार वॉइसेस हिंदी में मिलेंगे। तो आप जैसे मैं क्लिक करके सुन लेता हूँ, तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ और डन पे क्लिक कर देता हूँ। आपको एच आई वाला वॉइस ही लेना है, नहीं तो इंग्लिश में आएगा वॉइस। अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हिंदी में बनाना चाहते हैं तो आप एच आई वाला वॉइस को यूज कीजिएगा। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ देख पा रहे होंगे वीडियो का, ये क्या ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ खोल के। जब वीडियो पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको पूछता है इन डायलॉग मोड, यानी कि आपके पास यहाँ बहुत सारे मोड मिल जाएंगे। जब राम बोल रहा है तो कैमरा किस एंगल में रहेगा, डायलॉग मोड में अगर रहेगा तो इस प्रकार से आएगा कैमरा हमारा,
अगर आप चाहें वाइड शॉट में रहे तो इस प्रकार से आएगा, अगर आप चाहें कि मूविंग फॉरवर्ड रहे तो इस प्रकार से आएगा, अगर आप स्टिल चाहते हैं तो इस प्रकार से आएगा, यानी कि उसका चेहरा दिख रहा है स्टिल में, ये राम बोल रहा है लेकिन चेहरा श्याम का दिख रहा है। इस प्रकार से आप पूरा एनिमेट कर सकते हैं भाई। तो मैं जैसे मुझे यहाँ पसंद है डायलॉग बोलना, क्योंकि राम डायलॉग बोल रहा है तो राम का चेहरा दिखना चाहिए, तो डायलॉग बोल रहा है। अब ये देखिए हमारा राम का लाइन के साथ सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ आपको दिखेगा न्यूट्रल का। ये क्या है दोस्तों, जो डायलॉग है वो किस फॉर्म में बोला जा रहा है, यहाँ आपके पास फॉर्म मिलेंगे। तो वहाँ क्या लिखा हुआ था स्क्रीन में, राम जो है वो मुस्कुराते हुए बोल रहा है, तो आपको न्यूट्रल पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए कितने सारे इमोशंस मिल जाते हैं, यहाँ देखिए अफ्रेड, एग्रीइंग, एयर गिटार, एंग्री, अगर गुस्सा है तो एंग्री कीजिएगा, बोर्ड बोर होके बोल रहा है, रो के बोल रहा है तो क्राइंग कीजिएगा, डांस करके बोल रहा है तो कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये हंस के बोल रहा है तो मैं सिंपली कर देता हूँ हैप्पी। यहाँ देखिए हैप्पी का एक ऑप्शन दिखेगा तो मैं सिंपली यहाँ कर देता हूँ हैप्पी, क्योंकि हैप्पी मूड में बोल रहा है। अब ये देखिए कैरेक्टर ये हैप्पी मूड में बोलेगा, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए श्याम कितना अच्छा मौसम है, चलो आज जंगल की सैर करते हैं। ये कैरेक्टर जो है हैप्पी मूड में बोल रहा है। अगर आप चाहें तो मूड चेंज कीजिएगा तो दूसरा मूड में आ जाएगा। तो जिस प्रकार का आपका कैरेक्टर का लाइन जिस इमोशन से बोल रहा है उस इमोशन को आपको चूज करना है। अब मैं आपको एक बार पूरा कंक्लूजन दिखा देता हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले पेस्ट करना है, यहाँ आपको इमोशन के लिए क्लिक करना है, यहाँ आपको कैमरा एंगल क्या रहेगा उसके लिए क्लिक करना है, यहाँ आपको क्या करना है कौन सा वो लैंग्वेज बोल रहा है उसके लिए क्लिक करना है। ये सारे सेटिंग्स को आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमारा दूसरा डायलॉग आएगा श्याम का, तो उसके लिए फिर से आपको डायलॉग पे क्लिक करना है, यहाँ नीचे डायलॉग पे। अब आपको पीक एक्टर पे करना है, तो हमारा जो वो वाला श्याम वाला एक्टर है उसका नाम जो डॉनी है उसको मैं क्लिक करता हूँ, रेड बाल वाला। अब ये देखिए यहाँ आपको बार बार इन डायलॉग मोड करने का जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ देखिए डायलॉग मोड में इसका आ चुका है। अब आपको वापस जाना है स्क्रिप्ट पे हमारा, और यहाँ श्याम जो है वो हंसते हुए बोल रहा है, हाँ राम ये एक बेहतरीन आइडिया है। तो आपको सिंपली इसे पूरा कॉपी करना है, देखिए यहाँ और इसे कर देना है पेस्ट, किया सिंपली यहाँ लाइन वाला जो राइट डायलॉग का ऑप्शन कर देना है पेस्ट। फिर से आपको ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन पे, और आपको हिंदी का वॉइस आपको चूज कर देना है। इसमें जाकर HI का देखिए HI का वॉइस जो होगा आपका वॉइस, उस पर आपको सिंपली कर जाना है, जैसे कि माइकल वाला वॉइस में। ये देखिए हमने यहाँ कर दिया। अब हमें यहाँ चूज करने का तो जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक डायलॉग मोड में आ चुका है। अगर आप कोई और मोड में रखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो पर क्लिक करके आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा और आप यहाँ चेंज कर दीजिए। मूविंग फॉरवर्ड आप रखना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, स्टिल रखना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, इन डायलॉग मोड रखना चाहते हैं तो डायलॉग मोड हो जाएगा, हो गया। अब हमें एक्सप्रेशन यहाँ देखिए, यहाँ से हमें मैंने बताया था जैसा कि किस मोड में बोल रहा है, एक्सप्रेशन इसका क्या है। एक्सप्रेशन के लिए आपको न्यूट्रल पर सिंपली क्लिक करना है, यहाँ हंसते हुए बोल रहा है तो मैं यहाँ लॉफिंग कर देता हूँ, देखिए लॉफिंग का होगा पक्का। तो यहाँ एक्साइटेड में कर देता हूँ मैं, एक्साइटेड वाला अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए हाँ राम ये एक बेहतरीन आइडिया है, बहुत समय से हमने साथ में समय नहीं बिताया है। तो यहाँ देखिए हमारा हो गया। अब मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, देखिए कितना अच्छा वीडियो हमारा बन चुका है अभी तक में, आप देखिए। श्याम कितना अच्छा मौसम है, चलो आज जंगल की सैर करते हैं। हाँ राम ये एक बेहतरीन आइडिया है, बहुत समय से हमने साथ में समय नहीं बिताया है। तो आपने देखा यहाँ तक हमारा कार्टून वीडियो बन हो चुका है रेडी। इसी प्रकार से आपको स्टोरी को आगे बढ़ाते जाना है, फिर से आपको डायलॉग पे क्लिक करना है, सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है, डायलॉग पे क्लिक करना है, पिक एक्टर पे करना है कौन सा एक्टर बोल रहा है, जैसे कि फिर से राम बोल रहा है अगर मान लेते हैं तो एक्टर पे क्लिक करना है, फिर से वापस जाना है स्क्रिप्ट पे आपको, यहाँ देखिए हमारा स्क्रिप्ट है। अब यहाँ राम क्या बोल रहा है फिर से वापस देखिए, यहाँ डरते हुए श्याम देखो वहाँ भालू इस प्रकार से है, तो आपको सिंपली इस पे फिर से क्लिक करना है, इसे कॉपी करना है, यहाँ इसे हमें कर देना है कॉपी, और यहाँ सिंपली आके यहाँ कर देना है इसे पेस्ट, सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। अब ये डरते हुए बोल रहा है तो यहाँ मैं जैसे कर देता हूँ, आपको एक्सप्रेशन चूज कर लेना है, डरते हुए बोल रहा है तो यहाँ डरने का कौन सा एक्सप्रेशन होता है भाई, सस्पिशियस, हाँ ये सस्पिशियस होगा। अच्छा देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ, यहाँ देखिए वो देख के बोल रहा है श्याम देखो वहाँ भालू है। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे भालू कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा। पहले ये लोग जो बोल रहे हैं पूरा उसे आपको इसी प्रकार से डायलॉग मोड में आपको बनाते जाना है। अब ये बोला कि श्याम देखो वहाँ भालू है, तो भालू का जो कैरेक्टर है या फिर वो भालू जो आता हुआ है वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए ग्रीन स्क्रीन से, उसे काइन मास्टर में बीच में आप एडिट कर दीजिए। कैसे करना है मैं आपको वीडियो क्लास में वो भी बताऊंगा। तो इस प्रकार से आपको डायलॉग करते जाना है पूरे डायलॉग को। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारा जो डायलॉग का ऑप्शन है वो जीरो हो चुका है, यानी कि अगर आप डायलॉग पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ डायलॉग नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं, सिंपली आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मैं आपको सब्सक्राइब करने का सजेशन तो नहीं दूंगा क्योंकि पैसे लेंगे भाई और यहाँ सब मेरी तरह स्ट्रगलर है। तो मैं यहाँ सिंपली आपको वॉच नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा उसका मैं सजेशन देता हूँ। सिंपली आप एक ऐड को वॉच कीजिएगा तो यहाँ फिर से आपको तीन डायलॉग का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सिंपली 30 सेकंड का एक ऐड वॉच कर लीजिएगा फिर से आपको तीन डायलॉग ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से आपको कहानी बनाते जाना है।
तो एक ऐड को आप वॉच कीजिएगा, फिर से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देख पा रहे होंगे इंटरेक्शन का, स्लैप कर रहा है, भगा रहा है, डांट रहा है, उसको लात मार रहा है, तो उसके लिए आप इंटरेक्शन पे जाइएगा, वहाँ सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा आप उससे दिमाग लगाइएगा इसमें। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद पूरा स्टोरी को आप ऐसे करके पूरा स्टोरी को बढ़िया से बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा ऊपर एक्सपोर्ट, यहाँ आप ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई पेड है। यहाँ जो है वो पॉपकॉर्न वाला सिस्टम है। तो पॉपकॉर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको जब आप ऐप पर लॉग इन कीजिएगा तो 1000 पॉपकॉर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ हमारा मात्र 115 बचा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ों को यूज किया है। यहाँ जैसे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ फॉरेस्ट का यूज किया तो उसमें पैसे लगे, एर्थर दो कैरेक्टर, डॉनी दो कैरेक्टर मैंने यूज किया उसमें पैसे लगे, और एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी यूज किया, तो मिला जुला के मेरा लगता है 885 पॉपकॉर्न मेरा लग गया, और यहाँ बच रहा है 115 पॉपकॉर्न। तो अगर आप लंबा वीडियो बनाएगा तो आपको 3000-4000 पॉपकॉर्न का जरूरत पड़ेगा, लेकिन आपको 1000 पॉपकॉर्न मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको ऐड देखना है। अगर आपको ज्यादा इससे ज्यादा लंबा वीडियो बनाएगा तो यहाँ आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, एक ऐड आप 30 सेकंड का दिखेगा तो आपको 200 पॉपकॉर्न मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ऐड देखना पड़ेगा, ऐड देख के आपको पॉपकॉर्न को अपना बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाएगा। यानी कि आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, पॉपकॉर्न ऐड करना है। जैसे कि बहुत सारे गेम्स में भी नहीं होता है कि पॉइंट्स ऐड करना पड़ता है तब वो गाड़ी खुलता है, इस प्रकार से आपको करना है। तो पॉपकॉर्न के लिए आपको क्या करना है, ऐड देखना है, 200 पॉपकॉर्न आपको एक ऐड देखने को मिलेगा, तो उस प्रकार से आपको देख लेना है। उसके बाद आपको करना है सेव। तो यहाँ हमारा पहले से 1000 था, तो यहाँ सब कुछ देखिए यहाँ पेड हो चुका है, तो मेरा यहाँ सिर्फ एक क्लिक में हो जाएगा सेव। मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा सेव। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों अगर फ्री में आपको बनाना है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगेगा। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप भी वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो बनाने में मुझे मेहनत लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, फिर भी इसमें बहुत कम मेहनत है। अब अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ आप ऊपर देख पा रहे होंगे इस वीडियो में जेड कट का लोगो आपको दिखेगा, जो कि हटेगा नहीं, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो उसका भी ऑप्शन है हमारे पास, उसके लिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको यहाँ वीडियो को सेव कर लेना है, उसके बाद यहाँ चल जाना है काई मास्टर एप्लीकेशन पे। सिंपली जैसे कि मैं चल जाता हूँ यहाँ काई मास्टर एप्लीकेशन पे, वहाँ चल जाएगा फ्री वाला काई मास्टर, बिना लोगो वाला मैं वहाँ डाल दूंगा, वहाँ से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ काई मास्टर में क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 16:9 क्योंकि लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद कर लेना है क्रिएट। अब यहाँ जो भी वीडियो आपने एक्सपोर्ट करा उसे आपको सिंपली क्लिक करके ले आना है। जैसे कि मैंने ये वाला एक्सपोर्ट करा तो मैं इसे ले आता हूँ, ये देखिए हमारा वीडियो आ चुका है। लेकिन यहाँ आपको लोगो दिखता होगा जेड कट का, जो कि हमें नहीं चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना लोगो या फिर अपना फोटो थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपने वीडियो को शुरुआत में भी देखा होगा, तो आपको सिंपली लेयर पे क्लिक करना है, उसके लिए मीडिया पे जाना है और अपना कोई सा भी फोटो आपको ले आना है। जैसे कि मैं ये वाला फोटो जो हमारा लोगो है चैनल का, एक विजुअल ज्ञान का, उसे मैं ले आता हूँ ये वाला फोटो। अब इस फोटो को क्या करना है, आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा क्रॉपिंग का, इस पर क्रॉपिंग पे क्लिक करके इस फोटो को आपको स्क्वायर में बना लेना है। यहाँ देखिए ये फोटो हमारा स्क्वायर बन गया। उसके बाद यहाँ आपको साइड में एक ऑप्शन दिखेगा मास्क का, जो आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ सेव करके राउंड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे आपको कर देना है एडजस्ट, यहाँ लिखा हुआ है जेड कट, वहाँ आपको इसे लगा देना है साइड। अब देखिए हमारा जेड कट जो है हट चुका है। इस फोटो का जो लेंथ है उसे पूरे वीडियो में कर दीजिएगा, ये तो मेरा 17 सेकंड का वीडियो बना है, आपका लंबा बनेगा अगर आप पूरा स्टोरी में बनाएंगे। अब ये देखिए हमारा वीडियो पूरा बन चुका है तैयार। आप चाहें तो यहाँ से इसका साउंड भी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको इसको क्लिक करना है, ये मिक्सर पे जाना है, इसको फुल कर देना है, ऑटो वॉल्यूम पे कर देना है। अब ये देखिए हमारा कितना अच्छा कार्टून वीडियो बन चुका है तैयार, मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा हमारा कार्टून वीडियो बनकर हो चुका है तैयार, क्योंकि ये AI वॉइस है तो इसमें आपको ज्यादा थोड़ा सा फील देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा और फील चाहिए तो आप थोड़ा अपना वॉइस यूज कीजिएगा भाई, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिएगा तो आपका अच्छा ओवरऑल कार्टून वीडियो बनकर हो जाएगा तैयार। भाई ऐसा एनिमेशन वीडियो आप मोबाइल से बना पाओगे, समझ में आ रहा है आपको कितना ज्यादा ये अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए।